कोलकाता शहर के मुस्लिम इलाकों में छुरी, चॉपर और उस्त्राबाजी बिल्कुल आम सी बात हो गई है। सबसे अहम बात कि तेजधार हथियारों से मामूली सी बात पर भी हमला कर दिया जा रहा है। रविवार को ही हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस तरह से तौसिया के अशरफ बिरयानी शॉप के पास सज्जाद खान नाम के एक शख्स को बेरहमी से उसकी पीठ में कैंची घोप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब ताजा मामला जोरा साको थाना के अंतर्गत केला बागान के मार्केट स्क्वायर इलाके में पेश आया है। आरोप है कि 16 मई की रात 9 बजे के करीब 25 वर्षीय इरशाद आलम जब काम से घर आने के बाद अपने घर के पास अपनी बाइक को पार्क कर रहा था, तो बाइक पार्किंग को लेकर अयाज नाम के एक लड़के और उसके भाइयों के साथ उसकी कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामूली सी बात को लेकर कहासुनी मारपीट में बदल गई। और आरोप है कि अयाज नाम के व्यक्ति ने इरशाद के शरीर पर ब्लेड से कई वार किए, उसके चेहरे पर, गर्दन पर, पीठ पर और हाथ पर कई वार किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले को लेकर खासतौर पर केला बागान के निवासियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है और सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। जी, मेरा नाम इरशाद आलम है। हम ड्यूटी से आ रहे थे तो मेरा यहाँ पे गाड़ी लगाने का था, तो गाड़ी का लिए ये हुआ 16 तारीख को 9:20 में हुआ ये घटना। तो गाड़ी यहाँ लगा के तो गाड़ी लगा हुआ था, तो उतना में वो गाड़ी का लिया। मतलब क्या, बाइक? जी, स्कूटी है मेरा है वहाँ पे लगा हुआ। हम ड्यूटी से आ रहे थे तो उसका बू और उसका लड़का एक दिन पहले भी उन लोग हमको टारगेट किया था मारने के लिए, तो उस दिन तो कुछ नहीं बोला, सब समझा बुझा के चल गया उन लोग, हम कुछ नहीं बोला, झमेले नहीं किया। दूसरे दिन हम आए हैं, उसका अब्बू आया है, हम गाड़ी का कवर अपना हटाए थे, उतना में उसका पिताजी आके हमको धक्का दिया। पहले धक्का देने के बाद उसका लड़का लोग सब आ गया, आने के बाद हमारे ऊपर पूरा घुसा मुक्का सब चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। चार्ज करने के बाद क्या किया है कि हमको पूरा कैसे कहाँ से लाया कुछ पूरा ब्लेड मारने स्टार्ट किया, जैसे तैसे मतलब मारने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा अम्मी लोग सब परेशान हो गए, तो हम आगे बढ़ने लगा तो उतना देर में लोग सब भाग गया। अब मेरा बहन भी सामने थी, इसका भी साथ पूरा गाली गुत्ते स्टार्ट कर दिया, इसका ऊपर भी हाथ चला दिया। हम लोग सब यहीं पे थे जिस वक्त हादसा हुआ, लेकिन उस वक्त जेंट्स जेंट्स में लड़ाई हो रहा था तो हम लोग लेडीज नहीं झूले, लेकिन जब मेरे भाई को ब्लेड लगा तब फिर हम लोग देखे तो देखे पूरा ब्लेड इतना यहाँ से यहाँ मार दिया, एक दो टाका नहीं बल्कि 12 से 14 टाका लगा है। अगर जरा सा नस में लग जाता तो मेरे भाई मेरे हाथ से चल जाते। मतलब अगर इस तरह से छोटे छोटे बात पे झगड़ा होगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, बोलिए आप लोग। इसको भी धक्का धुक्की दिया है, लेडीज को भी मेरा धक्का दिया है, मेरा हाथ में देखिए यहां लगा, मेरा हाथ में देखिए, मेरा हाथ में भी धक्का दिया, घूसा मारा। आरोपी जो है वो कहाँ है? वो सब वो लोग सब भाग गया था उसी टाइम, वो सब भागे भी, उन लोग का मतलब कैरेक्टर ही खराब है। उससे पहले भी वो क्राइम करके आ चुका दूसरे जगह से, उसका घर अपना नहीं है यहाँ पे, वो लोग दूसरे के घर में रह रहा था। क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड यही है कि मेरे भाई का जितना खून बहा है हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। और वो लोग यहाँ ये काम किया, कल दूसरा काम करेगा, इसलिए कॉन्सलर उसके घर में ताला लगा दिया, वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। यहाँ का है भी नहीं, दूसरे जगह से आकर के यहाँ बस, दूसरे जगह भी मतलब क्राइम करके यहाँ भाग कर यहाँ रहा है, यहाँ भी फिर क्राइम करके फिर दूसरा जगह भागा है। और गाली उली पूरा एकदम स्टार्ट कर गाली दिया है, बहुत कुछ किया है, पूरा एरिया दबा दिया। बोलिए, जिसमें मेरा छोटा भाई गाली बहस हुआ तो उसमें तो फुप्पू थी, समझा दी थी बाबू गाली आज नहीं कल लगा दे, वो हो गया बात। जिसमें उत्तर लड़का छोटा लाया एजाज नाम होता वो तो मारा, और जिसमें तो ओलिया पाड़ा लड़की आ गया उसका साथ में थी तन्नू नाम होता, ठीक है। अमान्यवाद जो तीनों बाप बेटा भाग गया, तो लगा चोट भाग गया, ठीक है। अभी माँ बेटी आई सीधा टाइम से आई, जिसमें काउंसलर साहब जसीम भाई ताला मार दिया, फिर भी माँ बेटी ताला तोड़ने आई थी, जिसमें भाग गया लोग, ठीक है। हमारा छोटा भाई को इंसाफ चाहिए बस, मारा है हम लोग कुछ नहीं चाहिए डिमांड, बस तो इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए बस। किसी आज हमको मारा कल किसी और को मार देगा, कल तो मार देगा, एक आदमी एक मिनट, आज हमको मारा कल इनको मार देगा, कल इनको मार देगा, सब हौसला बढ़ जाएगा, समझ गया, सबका बच्चा है, हम लोग इंसाफ चाहिए, ठीक है। आए दिन गाली गुप्ता पुलिस जो हमारे पूरा साथ में है, पूरे प्रशासन पूरा साथ में है, पूरी जोड़ा साको थाना और जी यहाँ का लोकल काउंसलर का कैसा रोल है? जी हमारे काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा थाना भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, साथ भी दिया हम लोग, पूरे मतलब छोटे बाबू बड़े बाबू जितने सब पूरा साथ दे रहे हैं, हम लोग बोले जो इंसाफ है तुमको मिलेगा, जो हक है। जसीम भाई बहुत अच्छा साथ दिया है, जो जसीम भाई देखा है तीन लड़का चोट लगा अतः यहाँ लग जाता कहा होता मर जाता, हम लोग इंसाफ चाहिए, एक मिनट हम लोग इंसाफ चाहिए, हम लोग काउंसलर साहब बहुत अच्छा किया जिसमें ताला मारा, एक मिनट चल, अरे एक मिनट एक मिनट।
जिसमें हम लोग ताला मारा है कल, आज ईटा लाया ताला तोड़ रहा था और माँ बेटी मिल गया। आपका बेटा को जो हमला हुआ क्या बोले? मेरा बेटा को जो हमला हुआ इसके लेकर के हम इंसाफ चाहिए, वो ये मोहल्ला में नहीं रह सकेगा, इसलिए करके कि हमारे बाबू को आज जरा सा नस कट जाता तो मेरा बाबू आज दुनिया से चला जाता। बोलिए इस तरह से वो किया है, अगर हाथापाई थोड़ा बहुत होता सभी के साथ, लेकिन इस तरह से तो मार काट तो नहीं होता ना, छुरी तलवार कर चलाना ये सब अच्छा बात नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए और वो ये मोहल्ला में नहीं आवे, यहाँ पर नहीं आगा, वो उसका घर भी यहाँ नहीं है।